इंजीनियरिंग। सो गाइस, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमोबाइल फ्यूल गेज के बारे में। किसी भी ऑटोमोबाइल आप ले लो, मतलब आप कार्स ले लो या आपकी बाइक बाइक ले लो, उसमें जो फ्यूल इंडिकेटर है वो काम कैसे करता है, उसकी वायरिंग कैसी होती है, इस लेक्चर में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो जनरली दो टाइप का हमारा फ्यूल इंडिकेटर होता है। एक तो होता है हमारा एनालॉग टाइप का, जो कि आपको पुराने बाइक्स में भी और पुराने कार्स में तो अभी भी आपको दिखता है। और डिजिटल टाइप का, जो आजकल नए बाइक्स हो गए हैं या फिर मॉडर्न कार्स हो गए हैं, उनमें अब मैक्सिमम डिजिटल टाइप का दिख रहा है। मैं ये दोनों बताऊंगा, ये दोनों एनालॉग टाइप का कैसे काम करता है हमारा फ्यूल मीटर, और डिजिटल मीटर कैसे काम करता है, कैसे ये फ्यूल को इंडिकेट करता है, उसकी पूरी कनेक्शन इस लेक्चर में हम वो दोनों देखेंगे। तो सबसे पहले हम एनालॉग की बात कर रहे हैं, एनालॉग मीटर कैसे काम करता है, इसकी कनेक्शन कैसे होती है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो ये रही इसकी वायरिंग। तो इसकी वायरिंग ये रहा। आई थिंक आपको थोड़ा बहुत इसको आइडिया हो गया होगा, फिर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिकल फ्यूल गेज विथ बैलेंसिंग कॉइल। ठीक है, सेम कनेक्शन है यहाँ, एनालॉग मीटर जो हमने यूज किया है, बाकी जैसे वायरिंग है ना, सेम वायरिंग होगी हमारी डिजिटल मीटर के लिए भी। ठीक है, यहाँ पे अभी हमने एनालॉग मीटर यूज किया, जिसमें हमारा नीडल है, ये हमारा मीटर है, इस पे अभी इनपुटी फ्यूल दिखा रहा है। ठीक है, ये हमारा फ्यूल टैंक है, फ्यूल टैंक पे एक फ्लोट लगा हुआ, जो इसके ऊपर फ्लोटिंग होता रहता है। जैसे जैसे फ्यूल बढ़ेगा, वैसे वैसे ये फ्लोट क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, है ना, तो ऊपर की ओर जाएगा। चलिए, तो इसको कनेक्शन को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा। तो अभी देखो, फ्यूल टैंक कम है, फ्यूल टैंक इम्पटी है, मतलब फ्यूल कम है, तो ये जो फ्लोट है वो नीचे की ओर है, तो फ्लोट आर्म भी नीचे की ओर है। तो फ्लोट आर्म से कनेक्ट होता है एक निडल, जो कि हमारे रिहोस्ट से कनेक्ट होता है। रिहोस्टेड क्या होता है, रेजिस्टेंस वेरिएबल। तो जब ये फ्लोट हमारा नीचे रहेगा, तो ये जो हमारा निडल है, इस फ्लोट आर्म के थ्रू जो निडल कनेक्ट है, वो एंड पॉइंट पे है, मतलब क्या हुआ, कम रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो इससे जो पावर ट्रांसमिट होगा वो कहाँ आएगा, वो सर्किट कंप्लीट करेगा बीप पे। ये कॉइल लगा हुआ है, कॉइल का एक मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जनरेट करेगा, और ये दिस इज कॉइल बी। तो कॉइल ए और कॉइल बी ये कनेक्ट है, तो ये जो रिवर्स से जो कनेक्शन आ रहा है वो कॉइल बी में कनेक्ट होता है, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होके ग्राउंड हो जाते हैं। ठीक है, अब बैटरी, बैटरी से एक लाइन निकल के आती है, इग्निशन स्विच में लगती है, इग्निशन स्विच का एक लाइन आगे कनेक्ट होता है हमारा कॉइल ए से, ताकि सर्किट पूरा कंप्लीट हो। ठीक है, रिहोस्ट का एक पार्ट हम ग्राउंड कर देते हैं, और दूसरा पार्ट हम इससे कनेक्ट किए हैं, तो ऐसे में ये पूरा होल सर्किट हमारा कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब बैटरी का सेकेंड एंड हम ग्राउंड कर दिए, और जो थर्ड पॉइंट हमारे इग्निशन स्विच का बचा है, उसको भी हमने ग्राउंड कर दिया। क्लियर है, अब हम प्रोसेस देखते हैं। तो ग्राउंड करने से क्या होता है, हमारा ये फुल सर्किट एक दूसरे से क्लोज लूप में कनेक्ट हो जाता है। क्लियर है, तो जब फ्यूल टैंक हमारा इम्पटी है, इम्पटी केस में क्या, फ्लोट जो है वो नीचे है, फ्लोट हमारा जनरल प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है। ठीक है, और फ्लोट आर्म हमारा एक हमारे एंड पॉइंट पे कनेक्ट है, जिसमें एक नीडल कनेक्ट है। वो नीडल क्या अभी बता रहा है, अभी रियोस्टेट देखो एंड लेवल पे है, तो मतलब अभी पावर ज्यादा सप्लाई नहीं हो रही है, रियोस्टेट कम, रेजिस्टेंस कम सप्लाई हो रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपको पावर यहाँ पे बी, तो ये जो बी वाला पार्ट है ये कमजोर हो जाएगा। कमजोर इन द सेंस, इसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो पावर है, क्योंकि कॉइल लपेटे सोलेनोइड की तरह काम करेगा ना, क्योंकि तो पावर जब मिलेगा, तो इसकी जो बी की पावर क्या होगी, कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू ए का। ठीक है, ए क्योंकि ए तो डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट है, तो ए की पावर तो वैसे भी हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रहती है। ठीक है, तो क्या होगा, बी का पावर कम हो जाएगा, तो कम होने और ए की पावर ज्यादा है, तो ए क्या करेगा, इस निडल का जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं इसको ऐसे मार्क करता हूँ, ये जो निडल का ये जो पॉइंट है, दिस ये बल्ब, ये जो ए है हमारा, ए क्या करेगा, ज्यादा पावर देगा, तो ये नीचे की ओर बैंड हो जाएगा, तो ये आपका टैंक दिखाएगा इम्पटी का केस। क्लियर है, सेम जब हमारा टैंक फुल हो जाएगा। अब सेकंड सर्किट देखिए, अभी क्या है, फ्यूल टैंक थोड़ा सा फिल हुआ, तो फ्यूल टैंक फिल होने से फ्लोट हमारा ऊपर की ओर गया, फ्लोट के ऊपर जाने से जो हमारा निडल है, वो निडल रिहोस्ट के सेंटर पे आ गया था। रिहोस्ट के सेंटर पे आना मतलब रिहोस्टेड का जो ये पॉइंट है, ये जो हमारा यहाँ आ गया, तो इससे क्या होगा, रेजिस्टेंस थोड़ा सा एज कम पहले के कंपेयर में अभी ज्यादा रेजिस्टेंस सप्लाई हो रहा होगा। तो ज्यादा रेजिस्टेंस सप्लाई हो रहा होगा, मतलब जो ए है हमारा, पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो
एक मिनट, जस्ट पेन यूज करूं। ओके, तो इस बार क्या होगा, ए जो है हमारा वो तो स्ट्रांग हमेशा रहेगा, उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करंट मिल रही है, तो वो तो मैग्नेटिक इंडक्शन उसकी पर्टिकुलर एक लिमिट पे होगी। तो रिहोस्टेट ये सेंटर पे आने, इस पॉइंट पे आने पे निडल फ्यूल टैंक हाफ के केस है, ये हाफ जब फिल है तो क्या होगा, हमारा बी का जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा होने से क्या होगा, ये इसको अपनी की अपनी ओर खींचेगा, तो अपनी ओर खींचेगा तो क्या, ये निडल, पहले ये निडल यहाँ था, ये निडल अब इस पॉइंट पे आ गया। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिविटी बढ़ी, रेजिस्टिविटी जैसे बढ़ेगी तो हमारा यहाँ पे भी ओके, तो हमारा टैंक अब जैसे दिख रहा है मीडियम बताएगा। ये तो हाफ का केस, से पहले हमने इम्पटिया केस देखा, हाफ का केस देखते हैं, अब हम फुल का केस देखेंगे। देखिए टैंक फिल हो गया, तो टैंक के फिल होने से ये जो हमारा केस है ये फिल का केस है, ठीक है। तो टैंक के फुल हो जाने से फ्लोट हमारा ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ, आर्म हमारा ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ, इससे हमारा निडल क्या हुआ, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट पे सेफ हुआ, और रिहोस्टेट अपने एंड लेवल पे है, तो इससे क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज होगी। रेजिस्टिविटी इंक्रीज होने से यहाँ पे जो मैग्नेटिक इंडक्शन जो बी का पावर है, बी का पावर एज कम्पेयर टू ए, बी का पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये जो बॉब है इस बॉब को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, अट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये जो निडल है वो यहाँ से पहले यहाँ था ना, उससे पहले यहाँ था निडल, डिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे आ जाएगा, और ये आपका क्या पॉइंट डिनोट करता है, फुल। तो इस तरीके से आपकी फ्यूल इंडिकेटर काम करता है। हमने इसका देखा कि जब फ्यूल इम्पटी केस में होगा तब क्या होगा, हाफ पोर्शन पे क्या होगा, टैंक आपका फुल होगा, इस केस में क्या होगा। तो ये तो हमारा एनालॉग मीटर था, अब हमारा डिजिटल मीटर कैसे काम करता है हम वो भी देख लेते हैं। सारा प्रोसेस सेम है, जो प्रोसेस मैंने हाफ फुल और उसके बताया, बस एक एक्स्ट्रा डिवाइस हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हमारे जो ये डिजिटल मीटर है हमने यहाँ पे लगा रखा है। डिजिटल मीटर लगाने से अभी क्या, एक टर्म यहाँ पे चला गया, रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर क्या करता है, जो यहाँ पे सिग्नल जो आ रहा है, जो सिग्नल हमको यहाँ से मिल रही है, उस सिग्नल को क्या करता है रेक्टिफायर, उस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल करेंट में कन्वर्ट करता है। वैसे तो आ ही रहा है, उस करेंट, इलेक्ट्रिकल करेंट को हमारे इस फ्यूल डिजिटल मीटर में ट्रांसफर करता है। उस इलेक्ट्रिकल करेंट की जो इंटेंसिटी है, उस इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग जो हमारा मीटर है ये अप डाउन होता है। क्लियर है, बाकी सारा जो वायरिंग है सेम है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूल गेज के मेन पार्ट, ठीक है।